अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड टॉक ऑफिशियल। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ ग्रेप्स डिलाइट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशेंट एंड मर्सीफुल। इसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है, 1 जेली का पैकेट लिया है और 1 कस्टर्ड का पाउच लिया है। जिस तरह से नॉर्मल सबके घरों में कस्टर्ड बनता है, आप भी बिल्कुल उसी रेसिपी से कस्टर्ड बना लीजिए। जी नहीं, ये बिल्कुल भी सिंपल रेसिपी नहीं है। आप देखिएगा कि इसमें कितने ट्विस्ट आएंगे। तो रेसिपी पूरी देखिएगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे अपना नॉर्मल कस्टर्ड तैयार कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिए हैं ग्रेप्स और कुछ मैंने यहाँ पे एप्पल लिए हैं जो कि मैं इसमें यूज़ करूँगी, और ग्रीन कलर की मैंने इसमें जेली यूज़ की है। इस रेसिपी में सारी चीज़ें आपकी डेकोरेशन पर डिपेंड करती हैं कि आप इसको सर्व कैसे करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने प्लेन कस्टर्ड की लेयर लगा रही हूँ। कस्टर्ड ना बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा रनी है। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। अब हम इसके अंदर ग्रेप्स ऐड करेंगे जो कि हमारा मेन इन्ग्रीडियंट है इस रेसिपी का। ग्रेप्स डिलाइट बनाने के लिए मैंने कस्टर्ड भी ग्रीन वाला यूज़ किया है। अगर आपको ग्रेप्स फ्लेवर का कस्टर्ड मिल जाए तो वेल एंड गुड, वरना आप बनाना फ्लेवर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे कुछ चंक्स जो कि एप्पल के हमने कट करके रखे हुए थे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे ग्रीन जेली। तो देखिए, ग्रीन जेली को मैंने बहुत अच्छे से सेट कर लिया था। मेरी जेली बहुत अच्छी से सेट हो गई है। अब आप इसको क्यूब्स में कट कर लीजिए। ये ग्रीन कलर की जेली आपको इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि मैंने स्ट्रॉबेरी जेली के अंदर ही ग्रीन कलर ऐड किया है। इस जेली का एक स्टिंगी सा फ्लेवर होता है जो कि ग्रेप्स के फ्लेवर से मैच करता है, इसलिए मैं हमेशा यही फ्लेवर की जेली यूज़ करती हूँ। जेली ऐड करने के बाद हमारा देखिए अब यहाँ पे एक ट्विस्ट है। हमने थोड़ी सी फ्रेश क्रीम ली है, उसके अंदर ग्रीन कलर ऐड किया है और इसके बाद उसको बहुत अच्छे से बीट कर लिया था। तो देखिए, इसको बीट करने के बाद हमने अपनी क्रीम, जो फ्रेश क्रीम हमने बीट की थी, उसको सेट कर रहे हैं। इसको सेट कर लीजिए अच्छे से। उसकी एक लेयर आएगी इसके ऊपर जो कि खाने में बहुत ही ज़्यादा यमी लगेगी। इस लेयर के बग़ैर इस कस्टर्ड का, इस डिलाइट का सारा मज़ा बेकार है। आप इस क्रीम के अंदर फ्लेवर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने बस ग्रीन कलर और वनीला एसेंस ऐड किया था। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेप्स फ्लेवर है तो आप वो ऐड कर दीजिए। सबसे लास्ट में हम इसके अंदर कुछ चंक्स जेली के ऐड करेंगे, कुछ ग्रेप्स ऐड करेंगे। लास्ट में हमने टॉपिंग के लिए शुगर कोटेड ग्रेप्स इसके रेडी करके रखे हुए थे, तो वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ये देखिए, ये मेरे पास शुगर कोटेड ग्रेप्स हैं। इसका चंक्स का मज़ा ही बहुत डिफरेंट होता है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। सर्विंग बाउल्स आप इस तरह से लीजिए और इसके बाद इसको अच्छे से सेट करके चिल कर लीजिए। ये डेज़र्ट आपको चिल करने के बाद बेइंतहा ज़्यादा अच्छा लगता है, बिल्कुल आइसक्रीम की तरह। तो जनाब, जब भी आपके पास टाइम बहुत शॉर्ट हो तो जल्दी जल्दी से ये रेसिपी बनाइए और अपने मेहमानों को खुश कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी। कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर भी कीजिए एंड हिट द बेल आइकन ताकि हर रेसिपी आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी एक और नई अच्छी सी रेसिपी के साथ। अंटिल देन, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।